केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। कोरोना महामारी का सबसे ज्यादा बुरा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ा है। अब इस महामारी की दूसरी लहर में सभी परीक्षाएं रद्द कर दी गई है। परीक्षा रद्द होने के बाद ये बच्चों के भविष्य को कैसे प्रभावित करेगा, आइए सुनते हैं शिक्षाविद संतोष कुमार से। नमस्कार साथियों, आज हम बात कर रहे हैं बच्चों के भविष्य की चिंता को लेकर। जैसा कि आप सब जानते हैं, सभी को पता है कि हमारे सरकार के द्वारा छात्र छात्राओं के एग्जाम रद्द कर दिए गए। कोरोना काल में एक तरफ हमारी छात्र छात्राओं की चिंता थी, सरकार चाहती थी कि एग्जाम हो और एग्जाम को रद्द कर दिया गया, मगर एक चिंता करने का विषय है कि हमारे छात्र छात्राओं पर एक भविष्य के बारे में कहा जाए तो इतना बड़ा नुकसान हुआ है। अक्सर आप देखते होंगे कि बहुत सारे स्कूलों में इंटरनल एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स दे दिए जाते थे। कुछ विद्यालय ऐसे हैं जिन विद्यालयों में अध्यापक खुद इंटरनल एग्जाम में बहुत कम मार्क्स देते हैं कि जी छात्र छात्राएं और अच्छी मेहनत करें आगे चलकर, वो उसी पे निर्भर रहते हैं कि आगे चल के मेहनत होगी, हमारे एग्जाम होंगे, कम आए हैं तो और मेहनत करेंगे, छात्र छात्राएं कहते हैं और ज्यादा मेहनत करेंगे। हो सकता है आज ग्रेड हमारा कम आया है, कम मार्क्स आए हैं, अगर हम पेपर एग्जाम देंगे तो और अच्छे से हमारे मार्क्स आ जाए। एक तरफ हम ये भी कह सकते हैं कि इतना गहरा संकट सोच लिया है कि आपने देखा होगा हर छात्र छात्रा इंटर के बाद किसी कैंपिटेटिव एग्जाम पर भी देने बैठती हैं, तो एग्जाम पर भी इसका इतना असर पड़ा है। जो बच्चे 12वीं के बाद कॉम्पिटेटिव एग्जाम को देते थे, इस पर इसका भी बहुत गहरा संकट आया। जैसे मान लीजिए सरकार गवर्नमेंट आईएएस कराती है, बहुत सारी क्वालिफाई एग्जाम है जो कि करने पड़ते हैं इंटर के बाद बच्चों को, तो स्टूडेंट वो सब इंटर क्लास से ही पढ़ के जाता है और वहां पे सोचता है कि मैं एक अच्छे मार्क्स लाऊं। जब स्टूडेंट ने इंटर क्लास में एक अच्छी पढ़ाई नहीं की तो आगे चल के उसकी नॉलेज जो थी वो भी भूल गया और उसने तैयारी ना करी, बहाना बन गया कि मैं ऐसे ही पास हो रहा हूँ परीक्षा रद्द होने से, तो उसने मेहनत बिल्कुल नहीं की, मस्ती करा और आगे चल के उसका भविष्य और संकट में पड़ गया। जो एग्जाम देगा उसे पता भी नहीं है कि जो कक्षा में सबसे कमजोर बच्चा था वो आगे निकलेगा या मैं आगे निकलूंगा, या उसे ये भी नहीं जानता कि मैं एक सपना देख रहा था कि मैं एक टॉपर रहूंगा, मैं टॉपर रह भी सकता हूं या नहीं भी रह सकता। सरकार अगर इसके लिए योजना बनाती तो परीक्षा का आयोजन करवाया जा सकता था, परीक्षा हो सकती थी, बहुत सारे बैचेस में लगभग एक एक घंटे के जो भी हैं कम कम स्टूडेंट को परीक्षा करवाई जा सकती थी। अगर सरकार चाहती तो परीक्षा रद्द होने से बच सकती और इसका छात्र छात्राओं के भविष्य पर भी संकट ज्यादा नहीं पड़ता। मैं यही कहना चाहूंगा सभी से कि हमारे जो छात्र छात्राएं रात दिन मेहनत किया करते थे, आप ही बताइए कि उदाहरण मैं देता हूं कि आपसे कहा जाए कि मेहनत बिल्कुल मत करो और आपका काम बिल्कुल ऐसे हो जाएगा बिना मेहनत, तो उस टाइम आप क्या करेंगे, सब कुछ अपना रख देंगे, हथियार फैक सब कुछ रख देंगे, ना वहां पढ़ाई करेंगे ना कुछ करेंगे, आपको एक सहारा मिल गया कि मैं ऐसी पास हुआ। हम मानते हैं कि कोरोना काल में बहुत बुरी स्थिति रही, सभी अपने जान बचाने को थे, मगर एक भविष्य के बारे में अगर चिंता की जाए छात्र छात्राओं की तो ये बहुत गहरा संकट है जो कि आने वाले समय में हमारे विद्यार्थियों को एक बहुत संकट में ला सकता है। जो परीक्षाएं वो देंगे उन्हें ये भी नहीं पता कि इंटर में हमने जो तैयारी की है कि हो सकता है वो क्वेश्चन आ जाए या क्या करें, कोर्स का कैसा अभी कुछ कह नहीं सकते। मेरा मानना है कि परीक्षा अगर सरकार करवाती तो करवा सकती थी, इससे कोरोना काल में बच्चों के भविष्य पर बहुत ही बुरा असर पड़ा। तो इसी के साथ जय हिंद। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।